तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बैक टू जर्नी में। आज की इस ब्लॉग में और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ अपनी एक नई ट्रिप पर और एक नई जर्नी पर, जहाँ पर मैं सबसे पहले ले चलूंगा आपको मनाली और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कैसे आपको यहाँ पर पहुँचना है, कैसे सस्ते से सस्ते में आपको यहाँ पर घूमना है, क्या क्या घूमने वाली यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है घूमते समय, और क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कितनी दूर दूर यहाँ पर डेस्टिनेशन है ट्रैवलिंग वाले, तो वो सभी जानकारी आपको बताऊँगा। फिर हम कुल्लू चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर जम्मू में, मतलब डायरेक्टली कुल्लू से अपन जम्मू चलेंगे, कैसे आपको पहुँचना है ये भी आपको बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा अमृतसर, अमृतसर की पूरी जर्नी आपको कराऊँगा। फिर हम चलेंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की आपको जर्नी कराऊँगा, क्या क्या वहाँ पर ट्रैवलिंग हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो मतलब पूरी आपको ये एपिसोड्स वगैरह देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो फटाफट से बैक टू जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं ब्लॉग्स अपने चैनल पर अपलोड करूंगा वो आपको हफ्ते में दो देखने को मिलेंगे, यानी कि हर बुधवार को आपको सुबह 7 बजे के आसपास मेरे चैनल पर ब्लॉग मिल जाएगा एक, और हर संडे को भी सुबह 7 बजे के आसपास एक ब्लॉग मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि घूमने का शौकीन है या फिर मनाली या फिर कुल्लू वगैरह जाने का प्लान कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा शेयर करके। तो बेसिकली मेरा ये प्रोग्राम 15 से 16 दिन का है, तो आपको मेरे चैनल पर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, जहाँ पर मुझे सुबह 7 या 7:30 बजे जो शताब्दी चलती है उसको पकड़ना है, जो कि मुझे डायरेक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगी। हो सकता है आपको पता हो या फिर ना पता हो, इटावा से अगर आप शताब्दी के थ्रू दिल्ली जाते हैं तो करीब 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता है दिल्ली पहुंचने में। जब आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो उसके सामने ही आपको साथ में ही मेट्रो स्टेशन भी लगा हुआ मिल जाएगा, बस आपको ब्रिज वगैरह क्रॉस करना है और साथ में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का ब्रिज भी स्टार्ट हो जाएगा और आप मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर कर जाएंगे। जिसके बाद हमने वहाँ से मेट्रो पकड़ी और हम आ गए कश्मीरी गेट, जहाँ पर हमें करवानी थी मनाली जाने के लिए बस की बुकिंग, क्योंकि हमारा कुछ प्रॉपर प्लान वगैरह नहीं बना हुआ था, हमने अर्जेंट में अपनी प्लानिंग बनाई थी 1-2 दिन पहले ही, इसलिए हमने बुकिंग वगैरह कुछ नहीं करवा रखी थी। शताब्दी की बुकिंग बस कर ली थी यहाँ से, मतलब दिल्ली तक पहुँच जाए शताब्दी के थ्रू, क्योंकि बस वगैरह में कभी कभार लास्ट डेट पर बुकिंग नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से शताब्दी में हमने सुबह सुबह की बुकिंग कर ली थी तो हम दिल्ली पहुंच गए थे। तो हमने सबसे पहले तो जाके कश्मीरी गेट पर, जहां पर ये पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, ट्रेवल्स वगैरह बने हुए हैं, वहां पर हमने बुकिंग करवाई मनाली जाने के लिए, क्योंकि मनाली में ही डायरेक्ट बस स्टॉप है, कुल्लू में आपको बस स्टॉप नहीं मिलेगा, इसलिए जितनी भी बस जाती है वो डायरेक्ट मनाली के लिए जाती है, मनाली में बस स्टॉप बना हुआ है वहां पर ही बस रुकती है जाकर। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम और थी कि हमारे पास लगेज भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से हमें कुछ लगेज रखने की व्यवस्था करनी थी। हमने ट्रेवल्स वाले से बात की, उन्होंने बोला भैया हम यहाँ पर लगेज वगैरह नहीं रख पाएंगे क्योंकि चोरी वगैरह यहाँ पर हो जाती है, भले ही कैमरा लगे हो लेकिन लगेज की रखवाली वो अपनी बुकिंग वगैरह करवाएंगे, मतलब बस की बुकिंग वगैरह करेंगे कि आपका लगेज वहाँ पर देखते रहेंगे, तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने लगेज नहीं रखवाया। अब लगेज रखने के लिए मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह मिली है, जहाँ पर आपके मतलब 350 रुपये चार्ज लगेगा और आराम से आप लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो ट्रेवल्स बने हुए थे उसके जस्ट पीछे ही आपको ये रेस्टोरेंट नजर आ जाएगा, श्री हरि सरणम रेस्टोरेंट, जहाँ पर कुछ रूम्स वगैरह और बेड्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पर 350 रुपये में आपको एक बेड मिल जाता है, जहाँ पर आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं, लॉकर वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। तो आपको एक बेड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जाकर बात भी की थी कि भैया हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, ना ही कोई आराम वगैरह करना है, बस हमें यहाँ पर सामान रखना था, तो कुछ बेड्स वगैरह के अलावा कुछ 100-200 रुपये में व्यवस्था हो जाती बेड्स रखने की। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको एक बेड तो लेना ही पड़ेगा, तो सामान वगैरह होगा जितना भी वो हम रखवा देंगे, मतलब लगेज वगैरह जितना भी आपके पास होगा वो हम रखवा लेंगे यहाँ पर। तो उनके पास में एक स्टोर रूम भी था और साथ में बेड वगैरह के नीचे भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आप उसमें भी कुछ बैग्स वगैरह अपने रख सकते हैं, तो इस वजह से हमने वहाँ पर एक बेड बुक किया 350 रुपये में और वहाँ पर लगेज अपना रख दिया, क्योंकि हमें मार्केट भी करना था दिल्ली का, मतलब कुछ थोड़े बहुत सामान वगैरह लेने थे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि हमारे साथ गया कौन कौन था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे साथ मेरी लवली वाइफ उर्वशी गई थी और साथ में था मेरे मामा का लड़का रोशन और उसकी वाइफ पल्लवी, क्योंकि रोशन और पल्लवी की अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, इसलिए उनका हनीमून ये प्लान वगैरह था, जो कि कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं बनी थी, बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही बन गया, तो इस वजह से कुछ बुकिंग वगैरह नहीं हो पाई थी। ट्रैवल्स वालों ने हमको टाइम 5 बजे का दिया था, यानी कि उन्होंने बोला था 5 बजे बस यहाँ पर लग जाएंगी और आपको सामान वगैरह अपना रखना पड़ेगा यहाँ पर आके बस में, और उसके बाद मतलब बस चलने में लगेगी करीब 6:30 बजे तक, तो हम लोगों के पास करीब 6 घंटे का टाइम था, तो हमें मार्केट करना था इसलिए हम मार्केट के लिए निकल आए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया हमारी कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं थी जाने की, इसलिए हमारे पास कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं थे वहाँ पर पहनने के लिए, इस वजह से हम लोगों को मार्केट जाने का ये प्लान बनाना पड़ा, क्योंकि हमने सोचा जब मार्केट पहुँच जाएंगे तो कुछ कपड़े वगैरह भी ले लेंगे, इसलिए हम लोग आ गए चांदनी चौक मार्केट। तो चांदनी चौक मार्केट का तो आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट बनी हुई है, अब इसके बारे में क्या बताना आप लोगों को पता ही होगा। अब मार्केट से हमने थोड़े बहुत कपड़े खरीदे,
क्योंकि कुछ जीन्स टी शर्ट वगैरह ही खरीदनी थी मनाली में पहनने के लिए। वैसे ज़्यादा कुछ कपड़े हमें लेने नहीं थे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें जितना ज़्यादा हल्का हो सके, यानी कि अपने बैग को जितना ज़्यादा हल्का रख सकें उतना अच्छा है, क्योंकि बैग भारी हो जाएगा तो हम अच्छे से घूम नहीं पाते हैं और हमें बैग की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके बाद 5 बजे के आसपास हम वापस से कश्मीरी गेट पहुंच गए, जहां पर हमारा ट्रेवल्स था वहीं पर हमें वापस से पहुंचना था, क्योंकि ट्रेवल्स वाले ने बोला था बस यहीं पर 5 बजे लग जाएगी, तो हमारी बस सामने लगी हुई थी। उसके बाद हमने बैग वगैरह रखवाए। यहाँ पर जो बैग का चार्ज लगता है, यानी कि अगर आप बैग बस के नीचे रखवाते हैं अलग से, जो बस में स्टोर वगैरह जगह बनी रहती है बैग वगैरह रखने की डिग्गी रहती है जो इसमें, उसमें अगर आप बैग रखवाते हैं तो मनाली के लिए जितनी बस जाती हैं वो सब बस वाले 20 रुपये चार्ज लेते हैं। ये यहाँ की बात ही नहीं है, अगर आप मनाली से भी बैठेंगे कहीं के लिए तो वहाँ से भी आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा हर बैग के लिए। अब आगे आप कितने दिनों में जाते हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता है। यहाँ से बस वालों ने मुझसे 20-20 रुपये चार्ज लिया था, यानी कि मेरे 2 बड़े बड़े बैग थे जिनको मैंने डिग्गी में रखवाया था बस की, तो यहाँ पर 40 रुपये मेरा लग गया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बस की बुकिंग की फैसिलिटी की। जैसे कि आपको पता है कि मनाली में कोई ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, सिर्फ आपको बस से ही जाना पड़ता है। तो हमने दिल्ली से जाने का प्लान किया था, वैसे आप चंडीगढ़ या फिर शिमला वगैरह से भी यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बस की प्राइस की बात करूँ कि कितने रुपये का टिकट पड़ा था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से मनाली गया था, तो मुझे दिल्ली से मनाली की टिकट की प्राइस वगैरह की जानकारी है, और दूसरी जगह से मुझे प्राइस की वगैरह की कोई जानकारी नहीं है। तो इस वजह से मैंने जब ऑनलाइन टिकट यहाँ पर देखा दिल्ली से मनाली तक के लिए, तो इसी बस के टिकट की करीब 1600-1700 रुपये के आसपास का मुझे प्राइस दिखा रहा था ऑनलाइन। लेकिन जब मैंने वहाँ पर ट्रेवल्स पे जाकर बात की तो इसी बस का प्राइस मुझे पर पर्सन के हिसाब से 1400 रुपये का बताया गया। तो यहाँ पर मुझे 1400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ा। तो 4 लोग थे हम लोगों का, टिकट बना 5600 रुपये का। लेकिन बाद में मेरे पीछे जो कपल बैठा था, जिन लोगों की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसमें लड़के का नाम सागर था और लड़की का नाम कामनी था, कुछ समय बाद बस में बैठे बैठे हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि उन लोगों से बस का चार्ज करीब 1200 रुपये के आसपास लगा था, यानी कि पर पर्सन के हिसाब से 1200 रुपये। तो बार्गेनिंग यहाँ पर अच्छी खासी चलती रहती है, आप जितने में अपनी सौदा बटवा पाएं वो ज़्यादा अच्छा है। बस मनाली में एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर स्लीपर नहीं चलते हैं, आपको सेटिंग वाली बस मिलेगी लेकिन बस एक नंबर मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है जब आप मनाली में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मतलब मनाली से पहले ही आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको कुछ ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड समस्या रहती है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, आप लोगों को पता नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे साथ बस में और भी लोग थे जिनको नहीं हुई थी, लेकिन एक ही 2 लोगों को हुई थी, साथ में मुझे भी हो गई थी ये प्रॉब्लम। मुझे 4 से 5 बार करीब वॉमिटिंग हो गई थी बस में। यहाँ पर आपको कैरी बैग वगैरह मिल जाता है वॉमिटिंग करने के लिए, इसके बाद आप उसको फेंक सकते हैं बाहर, क्योंकि जैसे ही आपको पता है वॉल्वो बस जो होती है वो फुली एसी बस होती है, इस वजह से इसमें विंडो खोलने की व्यवस्था तो होती नहीं है। लेकिन ड्राइवर के जब आप कैबिन में जाते हैं तो वहाँ पर एक विंडो ऐसी होती है जो कि ओपन हो जाती है, अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो आप ड्राइवर से बैग लेकर, यानी कि कैरी बैग वगैरह लेकर, जो पॉलीथिन होती है वो आपको पॉलीथिन एक दे देंगे जिसमें आप वॉमिटिंग वगैरह कर बाहर फेंक सकते हैं खिड़की से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंफर्ट की, यानी कि बस में आप कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे वॉमिटिंग आती थी, मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम पहले से ही है, अगर मैं बस में सफ़र करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आती रहती है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह ऑनलाइन देखी ताकि कोई मुझे ये बता दे कि भैया यहाँ पर जो बसें चलती हैं मनाली तक के लिए वो कैसी चलती है, क्या यहाँ पर स्लीपर वगैरह नहीं मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्लीपर की फैसिलिटी 2007 से बंद कर दी है मनाली के लिए, यानी कि मनाली में आपको कोई भी बसें स्लीपर वाली नहीं मिलेंगी। अब किस लिए नहीं मिलती है, कई लोग ये बताते हैं कि भैया स्लीपर बसें कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं, इस वजह से स्लीपर बसें वहाँ पर चलती नहीं है, क्योंकि वो हिली एरिया है, इस वजह से वो टकरा ना जाए, इस वजह से वहाँ पर स्लीपर बसेस नहीं चलती हैं, सिटिंग वाली बसेस चलती हैं सिर्फ। और सिटिंग वाली बस में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और एसी बस थी इसकी खिड़कियाँ वगैरह भी बंद रहती हैं, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको वॉमिटिंग वगैरह नहीं आती है तो उसके लिए एक नंबर बस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्योंकि ये वॉल्वो बस और एसी बस है, इस वजह से आपको कुछ चादर वगैरह यहाँ पर लेके रखना पड़ेगा अपने साथ में, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी वगैरह लगती है, क्योंकि मुझे भी लगी थी इसमें सर्दी। यहाँ पर सीट के साइड में आपको एक वो स्विच वगैरह मिल जाएगा जिससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, आप सीट को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, बस पीछे वाले जो लोग बैठे हो उनको कंफर्टेबल फील रहे, मतलब उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। नीचे पैर रखने की भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी ज़्यादातर वॉल्वो बसों में। हमारी सीट के सामने का जो स्टैंड था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, इस वजह से हमने वहाँ पर बोतल वगैरह कुछ नहीं लगा पाई, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। सीट बेल्ट आपको हर बस में मिल जाएगी, अगर आप सीट बेल्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सीट के कवर वगैरह डले हुए हैं वो भी काफ़ी साफ सुथरे डले हुए हैं। ऊपर आपको लाइट और एसी के लिए एडजस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जहाँ पर आप लाइट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और एसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर स्विच वगैरह भी लगे हुए हैं लाइट को बंद चालू करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे, हो सकता है आगे से बंद करके रखे हों
इस वजह से ये काम नहीं कर रहे हो। हर सीट में यहाँ पर आर्म रेस्ट भी लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इधर उधर जाते हैं क्योंकि हिली एरिया है, तो इस वजह से आर्म रेस्ट आप ओपन कर सकते हैं, मतलब नीचे कर सकते हैं, तो आप बीच में आराम से आर्म रख के बैठ सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी वॉल्वो बस होंगी उसमें आपको चार्जिंग फैसिलिटी की सुविधा मिल जाएगी, जो अच्छी वाली वॉल्वो बस होंगी, मतलब काफ़ी सस्ती प्राइस वाली भी वॉल्वो बस चलती हैं यहाँ पर, महंगी प्राइस वाली वॉल्वो बस चलती हैं। तो कुछ उन्होंने नाम बताया था, मुझे अभी इतना याद नहीं है, ड्यूलक्स वगैरह था, मतलब अलग अलग यहाँ पर रहते हैं। बस वहाँ पर आपको जगह पता करना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से फैसिलिटी चाहिए बस में, और किस हिसाब से आपको वॉल्वो बस करनी है, मतलब ट्रेवल्स में जाके आपको बात कर लेनी पड़ेगी। तो मेरी वाली जो वॉल्वो बस थी उसमें दोनों सीटों के बीच में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ था, जिसमें 1 एम्पियर का भी एक पोर्ट था और 2.5 एम्पियर का भी एक पोर्ट था। तो यहाँ पर हम आराम से अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। हमें ट्रेवल्स वालों ने टाइम तो 5:30 बजे के आसपास का दिया था, कि उन्होंने बोला था कि भैया 7 बजे के आसपास बस यहाँ से चल देगी, लेकिन हमारी बस जो स्टार्ट हुई थी वो 8 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी। 8:30 बज गए थे हमारी बस को चलने में, क्योंकि जब दिल्ली का मार्केट बंद होने लगता है उसके बाद ही दिल्ली से बस निकल पाती हैं, उससे पहले तो बस को जाना मुश्किल ही हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी ट्रिप का पहला एपिसोड और पहला ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो आगे भी ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको मेरे चैनल पर हर वेडनेसडे और हर संडे को एक नया ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।